पाकिस्तान आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेना चाहिए और पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों को पाकिस्तान की इन आतंकवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ एकजुट करना चाहिए। भारत को कठोर शब्दों में कहना होगा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के सारे आतंकी ठिकाने समाप्त नहीं कर देता, और भारत में आतंकवादी कहना होगा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ के सारे आतंकी ठिकाने समाप्त नहीं कर देता और भारत में आतंकवादी कार्रवाई बंद नहीं करता, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ और मैं हूँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी। अभी अभी जो वीडियोज आपने मुलाहिजा की उन्हें देखकर ये अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को, जिसके साथ तिजारत हमारे वुज़रा की अव्वलीन और शायद आखिरी तरजीह है, अम की किस कदर हाजत है। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था, मुझे देर नहीं लगती। अपने हिंदू बुनियाद परस्ताना जज्बात की तस्कीन के लिए गुजरात और अहमदाबाद में अपनी जमात के हजारों मुसल्ला गुंडों के जरिए यहाँ मुकीम मुसलमानों के कत्लेआम का अहतमाम किया था। बहैसियत वजीर आला तवील तरीन मुद्दत के लिए हुक्मरानी का एजाज हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी का इक्तदार कल भी हजारों बेगुनाहों की लाश पर खड़ा था और आज भी उसके दामन पर मौजूद खून के धब्बे किसी तौर पाए नहीं जा सकते। अब देखना यह है कि वजीर आजम बनकर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में क्या कयामत ढाएंगे। जी जैद साहब, ये पैकेज आपने मुलाहिजा किया, ये फरमाइएगा कि इस दागदार माजी के बावजूद वजारत उज़्मा का हुसूल नरेंद्र मोदी के लिए कितना आसान या मुश्किल दिखाई देता है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त तारीख में पहली दफा ये हो रहा है कि पूरी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, उनकी रॉ, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका मीडिया, वो सब के सब नरेंद्र मोदी को पावर में लाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कोई 20 लाख से जायद आरएसएस के दहशतगर्द, और आरएसएस को अगर आपने समझना है तो आप समझिए कि ये इंडिया की फैशिस्ट पार्टी है। ये इतने दहशतगर्द हैं कि महात्मा गांधी को, जिसको हिंदू महात्मा कहते थे, अपना खुदा कहते थे, उसको कत्ल करने वाले नरेंद्र मोदी के जमात के लोग थे। ये इतने दहशतगर्द हैं। तो जब सोचिए कि जब ये महात्मा गांधी को कत्ल कर सकते हैं, तो फिर मुसलमानों या अकलियतों या ईसाइयों के मामले में इनका रवैया क्या होकर औरतों को बेहरमत करके उसके ऊपर ये रक्स करते थे, और ये इनका एक अखंड भारत का जो एजेंडा है, इनका एक और बदबख्त मौलवी इन्होंने पाला हुआ, इनका अपना बाबा रामदेव उसका नाम है, एक हिंदू है, जो खुलकर अब कह रहा है कि अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद अखंड भारत, यानी काबुल से लेकर थाईलैंड तक हम एक बहुत बड़ा अखंड भारत बनाने के काबिल हो जाएंगे। और अभी आसाम में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आसाम में कई हजार मुसलमान ज़बह किए जा चुके हैं, और उस वक्त हो रहा है कि जब नरेंद्र मोदी ने ताकत हासिल भी नहीं की, उससे पहले मुजफ्फरनगर में चंद माह पहले सैकड़ों मुसलमानों को उसी तरह जिंदा जलाया गया जैसे गुजरात में जलाया गया था। तो अब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दहशत में, एक हिटलर ताकत में आ रहा है, दरिंदा ताकत में आ रहा है, और पूरी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट उसको ला रही है। अमिताभ बच्चन का नाम बॉलीवुड में कोई छुपा हुआ नहीं है, इसका जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर है नरेंद्र मोदी का, वो अमिताभ बच्चन है। और जिस तरह रविशंकर, जो पाकिस्तान के अंदर भी एक हिंदू, योगा क्लासेस करवाने के लिए आया हुआ है और पूरे पाकिस्तान की ईट क्लास को ये अपना मुरीद बना रहा है, रविशंकर भी राइट हैंड मैन है नरेंद्र मोदी का। तो ये सॉफ्ट पावर के जरिए, मीडिया के जरिए, योगा के जरिए पहले ही पाकिस्तान की रियासत में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। जैद आमिर साहब, इंडिया और भारत माता को नजराना अकीदत मजीद पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाजरीन, यह वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम नरेंद्र मोदी के सियासी मुस्तकबिल पर बात करें, पहले ये जान लेना निहायत जरूरी है कि आखिर गुजरात के जिन मुस्लिम कुछ फसादात का इल्जाम इन हजरत के सर है, उसमें मासूम बच्चों और बेबस मुसलमान औरतों पर क्या कयामत ढाई गई? आपने देखा था? हाँ। क्या देखा? मारा था, उन लोग को तलवार से मारा था, मुझे राजा को मारा था, मेरी दादी को मारा था।
सब लोग को नया नया कल्चर सिखाना है। हाँ, और मेरी चाची को भी नया कल्चर सिखाना है। नहीं, कि प्यासोल के अरसिंग लाल पूछ ले, उस लोगों ने जला दिया हमारे आर्मी को। फिर हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागे, वहाँ से भागे और नदी में उतर के उनको पकड़ लिया। मेरे मुझे पकड़ लिया और सब मेरी चेतानी चले गए। हम छोटे छोटे पड़ गए, वहाँ से मेरे कपड़े उसको निकाल लिए थे, कपड़े निकाल लिए थे और मैं फिर बेहोश हो गई। मेरी आँख खुली तो मेरा फैजान मेरा सिर पे बैठा था और ऊपर से जब्बा मेरे सिर पे पड़ा था। मेरे फैजान को लेके बाद जितने सौ नौ सौ तीन सौ की तीन चार सबको घेर के तुरंत पेट्रोल के और तीन ये सब फेंकने लगे, उसमें सब जलने लगे। अब हाथ तो पकड़े जाएंगे सब जलने लगे। फिर मैंने ये छोटा जला था, इसको मैंने उठा के इसको दीवार के पीछे फेंक दिया। वहाँ पे एक दीवार की फूल थी उसके पीछे इसको फेंक दिया। फिर एक बच्चा मेरा मेरे नंबर के आदमी था, उसको मैं बचाने के लिए नहीं तो सारे जरूरी इंसान मेरे ऊपर गिर गए। तो ये हाथ में ये हाथ में ये पाँव में सब में आ गया, जैसे कि मेरे को सबके अंदर दब गई थी, नीचे पड़ी थी सब और काफी लोग मेरे ऊपर पड़े थे और जो ऊपर ऊपर थे वो काफी जल गए और खत्म हो गए। गरम गरम ऐसी आग जैसी लग रही थी, मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मैं ज्यादा जलूंगी नहीं तो शायद ये अंदर घबराहट से ही मर जाऊंगी। ऐसे तो हमारे घर में 6 इंसान मरे हुए, एक तो मेरी पप्पू है, नंदोई है और मेरी ननंद है और मेरे 2 लड़के हैं, मेरे नंदोई। 6 इंसान के मरण है हमारे घर में और 4 इंसान घायल, जैसे एक मैं खुद घायल हूँ। ये है मेरी एक जेठानी है जरीना बानू, उनका भी हाथ कटा हुआ है, सर में तलवार मार। जैद आमिर साहब, ये रूफ अरसा वीडियोज आपने मुलायजा की, ये एक बैंड डॉक्यूमेंट्री इंडिया में जो गुजरात फसादात का अहाता करती है कि वहाँ क्या क्या सानिहा रूनमा हुआ, ये उससे हमने कुछ चीजें मुस्तार ली हैं। अब जरा ये फरमाइएगा कि भारतीय वजीर कानून के उस अहमकाना बयान पे आप क्या कहेंगे, कपिल सुबुल साहब के, जिसमें वो फरमाते हैं कि नरेंद्र मोदी 2005 में 4 मुसलमानों के मावराए अदालत बहिमाना कत्ल के जिम्मेदार हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 4 मुसलमानों की बात कर रहे हैं या 4,400 करता है, बड़े फखर से प्रेजेंट करता है। एक इंटरव्यू में इसे पूछा गया कि अगर मुंबई का हमला उस वक्त होता जब तुम वजीर आजम होते और उस वक्त मुंबई का हमला होता तुम क्या करते, तो इसने बड़े तकबर से जवाब दिया कि मैं वही करता जो मैंने गुजरात में किया था। बात यह कि इसको कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसको कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये बात पब्लिकली अनाउंस कर चुका है। आज भी गुजरात में, ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि बाकायदा हिंदू और मुसलमान मोहल्लों के दरमियान हिंदुओं ने दीवारें खड़ी कर दी हैं, जिस तरह इसराइल में अपार्टाइड की दीवारें बनाई गई हैं, कालों को और गोरों को अलग किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उस तरह की दीवारें खड़ी की गई हैं, जिस तरह सेक्टेरियन बेलफास्ट में, नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान दीवारें खड़ी की हुई है शहरों के दरमियान, इसी तरह ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फिजिकली दीवार खड़ी की है। और इनका प्लान ये है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलमान कम्युनिटीज को उसी तरह खत्म कर दिया जाएगा जैसे इन्होंने गुजरात में किया था। मैंने कहा कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप आसाम में देख लें, 3,000 सजाए जितने गुजरात में मुसलमान जुबा किए गए थे उतने आसाम में मार दिए गए हैं पिछले 2 दिनों में। वहां कर्फ्यू, जाहिरन कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन नीचे गुंडों को इजाजत है कि मुसलमानों को जुबा करते फिरे। हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की बहुत फिक्र है इस वक्त, अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे। एक बहुत बड़ा हलाकू, बहुत बड़ा दरिंदा उनके ऊपर मुसल्लत होने जा रहा है। नाज़रीन, तो आप जान चुके हैं कि भारतीय वजारत उज़्मा का ये नेक नाम उम्मीदवार किस हद तक इंसान दोस्त वाकई हुआ है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये मौसूफ बहसियत वजीर आला अपने मसनद इक्तदार के ऐन कल्ब में रूनुमा होने वाले फसादात पर क्या राय रखते हैं। गुजरात में हुए दंगे और 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत का मोदी को दुख है, लेकिन अपराध बोध नहीं। मोदी ने यह बयान दिया है ब्रिटिश लेखक एंडी मरीनो की किताब में, मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। 2002 के गुजरात दंगों पर मोदी ने कहा, जो हुआ उसके लिए मैं दुखी हूँ, लेकिन किसी तरह का अपराध बोध नहीं। मोदी इज सेइंग दैट यू नो इन लीगल टर्म्स ही इज नॉट गिल्टी, दीज रायट्स अकर्ड वेरी अर्ली ऑन इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, टुक हिम बाय सरप्राइज,
जी जैद हामिद साहब, ये वीडियो आपने मुलायजा की, मौसूफ फरमाते हैं कि लीगली मैं इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे अफसोस तो है ताहम माजरत ख्वाह मैं नहीं हूँ। तो इन मगरमच्छ के आंसुओं पर आप क्या कहेंगे? मैंने अर्ज किया ना आपको कि ये शख्स एक आइडियोलॉजिकल नजरियाती दरिंदा है, इनकी आरएसएस एक फासिस्ट आइडियोलॉजी है और पहली मरतबा ये इस एजेंडे के साथ आ रहे हैं। पिछले 70 साल से जब से आरएसएस बनी है, ये पहली मरतबा इतनी ताकत के साथ आ रहे हैं कि जब इनके पास पूरी इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडिया के एटमी मिसाइल और एटमी हथियार भी इनके पास होंगे और ये इस मौके को जाया नहीं करेंगे। इन्होंने ये बात बिल्कुल तय की हुई है, इनको नहीं मालूम कि अगला इलेक्शन अगर होता है तो इसमें जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगले आने वाले चंद माह के दौरान या चंद सालों के दौरान ये पाकिस्तान के साथ एक फैसला कुछ जंग जरूर करना चाहेंगे। ये बहुत एक बहुत बड़ा खतरा एक आंधी और एक सुर्ख आंधी है जो पाकिस्तान के ऊपर उठ रही है और हमारे पाकिस्तान के जो दाखिली मसाइल हैं, लोग उसमें जो उलझे हुए हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा कि कितना बड़ा फितना मशरक से उठ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को अपने मशरक की तरफ बड़ी संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए, इसको मजाक नहीं ले सकते। अब जैद हामिद साहब, यहां हमें अपनी गुफ्तगु को आर्जी तौर पर मौकूफ करना पड़ेगा। नाज़रीन, यहां वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगु को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, किसी रियासत की अहमियत का असल अंदाजा शायद उस वक्त होता है जब उसके वजूद से मुनकिर और उसकी ताकत से हिरासा बदतरीन मुखालिफ अपनी जुबान से दुश्मन रियासत का तस्करा करे, और अगर ये दुरुस्त है तो इस एतबार से रियासत पाकिस्तान यकीनन दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक अहम तरीन मुमलिकत का दर्जा हासिल कर चुकी। जब ही तो इंतखाबात के बुखार में मुब्तिला भारतीय सियासतदान भी पाकिस्तान फोबिया का इलाज करने से यकसर कासिर दिखाई देते हैं। अच्छा सर, जैद हामिद साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त इंडिया में इलेक्शन की गहमा गहमी है, हर आदमी इलेक्शन में पब्लिक को मोह लेने के लिए, उनके वोट के हुसूल के लिए कुछ न कुछ बातें कर रहा है, लेकिन तमाम चीज नाजरीन, भारत के सियासी मंजरनामे पर सजे इस मैदान कारजार में कौन फतहगर बनकर उभरेगा और शिकस्त किसका मुकद्दर होगी, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। ताहम रूए जमीन की वाहिद नजरियाती इस्लामी रियासत होने के सबब भारतीय इंतखाबात के हवाले से तफक्कुर यकीनन न सिर्फ हमारी कौमी सलामती के हवाले से निहायत अहमियत का हामिल है, बल्कि इन इंतखाबात में 25 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला भी होने जा रहा है। अच्छा जैद हामिद साहब, ये फरमाइएगा कि हिंदुस्तानी सियासतदानों को 65 साल से जायद का अरसा बीत चुका है नफरत की फसल भारतीय आवाम के दिलों में बोते हुए, उसके बावजूद आपके ख्याल में, क्योंकि यहां कुछ लोग इस नुक्ते नजर के हामी हैं कि गालबन हम ज्यादा ही इंडिया के हवाले से हॉस्टाइल जहनीत के हामिल हो चुके हैं, या हमें सिर्फ वतन दोस्ती में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि हम इंडिया दुश्मनी में कदम रख दें, आपके ख्याल में इन सब बातों के हवाले से जो पाकिस्तानी अवाम का तफक्कुर है भारतीय मुसलमानों के मुस्तकबिल के हवाले से और खुद पाकिस्तान की रियासत के इस्तेहकाम के हवाले से, जो भारतीय रियासत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए हरकतें करती रहती है, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम का तफक्कुर जायज है या हम वैसे ही खामख्याली मुब्तला हैं? देखिए, बदनसीबी की बात यह है कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इंडिया को खतरा नहीं समझती, ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। और आपने देखा है कि पाकिस्तान के होने वाले पिछले इलेक्शन में भी इंडिया हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था, बल्कि बातें ये की जा रही थी कि इंडिया के साथ हम ट्रेड करेंगे, बिजली लेकर आएंगे, ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। जितनी पाकिस्तान एमपीएम हो या अवामी नेशनल पार्टी हो या पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, आप जिस मर्जी सियासी जमात का नाम लें, ये तो इंडिया के नीचे लगे हुए हैं जाके, ये तो सारे लिटरली इंडिया के एसेट्स और एजेंट्स के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का बेदार तबका है, जो हमारे पेट्रियॉट्स हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारा पेट्रियॉटिक मीडिया है, वो कुछ आवाजें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान का मजमू तौर पर, पाकिस्तान का पूरा मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें, हमारे दानिश्वर, ये गुलाम हैं हिंदू जहनीयत के, और आज भी चैलेंज करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, टू नेशन थ्योरी गलत थी। इस कस्म के सवालात हमेशा हमारे मीडिया में उठाए जाते हैं, हमारे नौजवान नस्ल को कंफ्यूज किया जाता है, और इसी, और आप खुद देख लीजिए कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी पर इलेक्शन जीते जाते हैं, वहां पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इशू है। इसी बात से आपको मालूम हो जाना चाहिए कि इंडिया की पेनिट्रेशन कितनी हो चुकी है हमारी मीडिया में, हमारी कानून में, और बदनसीबी से ये कहना पड़ता है कि हमारी नौजवान नस्ल को भी करप्ट करने और खराब करने में उनके मीडिया का किरदार है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। सर, आपने पाकिस्तानी रियासत को मुरीद इल्जाम ठहराया, मैं आपसे ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था बिग बी अमिताभ बच्चन का, जो बकौल आपके पब्लिक रिलेशंस मैनेजर हैं
हजरत नरेंद्र मोदी के। तो सर यहाँ चौधरी शुजात साहब तो अमिताभ बच्चन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दिए बैठे हैं, और शुमई किस्मत अमिताभ बच्चन ने उस दौरे की दावत को कबूल भी कर लिया। उन्होंने फरमाया कि जी मेरी वालदा खुद लॉयलपुर में पैदा हुई थी, तो इसलिए मैं जरूर पाकिस्तान आऊंगा और पाकिस्तान आकर के मैं अपने उन बीते दिनों को याद करूंगा। तो आपके ख्याल में हमारे सियासतदान जब इस लेवल पर कंफ्यूज हैं, हमारे लीडर जब इंडिया की दोस्ती में पाकिस्तानी आवाम से इस हद तक दुश्मनी मोल लिए बैठे हैं, तो एक आम आदमी को कसूरवार क्यों ठहराते हैं? ये हम यही अर्ज कर रहे हैं कि आम आदमी का कसूर नहीं है इतना, क्योंकि जो उसका मीडिया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो कुछ उसके ऊपर उसको बमबारी की जा रही है उस टेलीविजन के साथ 70, 100, 150 चैनल के जरिए, हर घर में कम से कम 10, 12, 15 इंडियन चैनल आ रहे हैं। जब इस किस्म का कोई तूफान बरपा होता है तो एक आम आदमी तो हकीकत है कि भेड़ बकरियों की तरह होते हैं, लेकिन असल शिकायत तो हमें पाकिस्तान के सियासी जमातों के साथ, पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की अदलिया से है कि उन्होंने क्यों इजाजत दी इस बात की कि एक सॉफ्ट इन्वेजन हो, इससे पहले कि उनके टैंक दाखिल हो, वो हमारी जहनसाजी करके, बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड, हमारे दिलों और हमारे दिमागों को खराब करके हमको इस बात पे कंफ्यूज कर दें कि हमारे बड़ों ने पाकिस्तान क्यों बनाया था, ये गलती हो गई थी, हमें दोबारा जाके भारत से शामिल हो जाना चाहिए। अल्ताफ हुसैन साहब तो ये तकरीर भी कर चुके हैं इंडिया जाकर, और ये डॉक्यूमेंटेड तकरीर है, इसमें कोई छुपाने की बात रह नहीं गई किसी की, कि साहब पाकिस्तान का बनना तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और हम अगर वापस आना चाहें तो इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट हमें माफ कर दे और हमें वापस कबूल कर ले। नरेंद्र मोदी का भी यही ऑब्जेक्टिव है, अवामी नेशनल पार्टी का भी यही ऑब्जेक्टिव है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो जमातें जो पंजाब बेस्ड है, पीएमएलएन हो या पीएमएलक्यू हो, ये पंजाबी सब नेशनलिस्ट बन के रह गई है, इनके नजदीक पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़ैद हामिद साहब ये फरमाइएगा कि हमने सियासतदानों की भी बात कर ली, हमने आवाम की भी बात कर ली, हमने हुकूमतों की भी बात कर ली, लेकिन हम मीडिया की गालबन बात करना भूल गए। पाकिस्तान में मीडिया में भी तो कुछ लोग, कुछ दानिश्वर ऐसे हैं जो यकतरफा दोस्ती के गीत गाते हैं, जो हमें दिन रात ये कन्विंस करने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि सब कुछ हो जाए मगर हमें अपने अफवाज के हाथों से असलहा लेकर उनको बांसुरी दे देनी चाहिए। जिस तरह से रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था, उस तरह से हमारी अफवाज को बांसुरी बजानी चाहिए ताकि हर दूसरे दिन एक नया वाकया हो, इंडिया का जहाज आए यहां पे जो चाहे करे और हमारी अफवाज बांसुरी बजाती रहे। तो आपके ख्याल में उन मीडिया ग्रुप्स को आप किस तरह से याद करेंगे? देखिए, पिछले कई बरस से ये बात, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हमने मीडिया में भी बात की, एक बहुत बड़ा मीडिया का तबका मेरी जानी दुश्मन भी है, और आपके कई बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं जिन पर मेरी मुझ पर पाबंदी है। आजादी सहाफत की बात करने वाले हमारी आवाज को दबाते हैं क्योंकि हम उनके इस बात के खिलाफ बात करते हैं कि इंडिया की गुलामी, हिंदू मुशरिक की गुलामी बंद करो और पाकिस्तान के नजरिए, पाकिस्तान के महाफिज बनो। इस बात पर पाबंदी लगा दी जाती है हमारे ऊपर। अब पाकिस्तान आर्मी ने, अल्लाह का फजल है, पहली मरतबा पाकिस्तान आर्मी और ISI ने बाकायदा ऑफिशियली एक रेफरेंस भेजा है वजारत दिफा के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत को। खुद ही हुकूमत ने हुकूमत के एक इदारे की तरफ रेफरेंस भेजा है कि जिसका काम है कि इस गद्दार मीडिया को बंद करो, और अगर हुकूमत वक्त वजारत दिफा, ISI और आर्मी के रेफरेंस पर अमल नहीं करती, फिर हुकूमत वक्त या गद्दार तसव्वुर की जाएगी या ऐसी अहमक तसव्वुर की जाएगी कि जो पाकिस्तान के मफादात का दिफा नहीं कर सकती, और इसको फिर तब्दील करना वाजिब हो जाएगा। तो बात यह है कि अब यह बात खुल के सामने आ चुकी है, जिस तरह पाकिस्तान के मजहबी जमातों में आपको अच्छी तरह मालूम हो गया है कि कौन सी मजहबी जमातें पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं और कौन सी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग कर रही है, नाम इस्लाम का सारे लेते हैं। इसी तरह सहाफत में भी हर कोई आजादी सहाफत की बात करता है, कौन पाकिस्तान के मफाद के लिए कर रहा है और कौन सहाफत के नाम पर बगावत कर रहा है। अब यह बात खुलकर सामने आ गई है और हर तरह के दुश्मनों को अब तलवार से कुचलने की जरूरत है, इससे बेहतर कि ये तूफान जो इतने अर्से से हमारे मसलक से उठ रहा है हमारी सरहदों के अंदर दाखिल हो जाए। अखंड भारत का ख्वाब देखते भारत माता के खुशफहम सपूतों और अग्यार के एजेंडे पर अमल पैरा मकामी एजेंटों ने रियासत पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मंबा साबित करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। ताम इस प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ के पेडेस्टल से हम एक बार फिर दुनिया पर यह वाजे कर देने के ख्वाह हैं कि रियासत पाकिस्तान अमन की पयाम्बर और सलामती की सफीर है। हमें अमन तो चाहिए मगर बराबरी के साथ। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। पीएम अल्लाह।